राजस्थान का लोक नृत्य कच्छी घोड़ी, जिसकी धुन पर G20 में आए देश के प्रमुख राष्ट्रों के लोग भी झूम उठे। इसके साथ ही कई देशों के प्रमुख भी इस नृत्य पर अपने आप को नाचने से नहीं रोक पाए। इस लोक नृत्य को जयपुर के बस्सी तहसील के श्यामपुरा कचोड़िया गांव के कलाकार बनवारी लाल जाट की टीम ने संजोकर रखा हुआ है। साथ ही राजस्थान का नाम पूरे देश में गौरवान्वित किया हुआ है। विलुप्त होती संस्कृति को जीवित रखने के लिए आज के इस आधुनिकीकरण के डिजिटल दौर में भी कलाकार अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। बनवारी लाल ने बताया कि वे लगभग 40 सालों से ये नृत्य कर रहे हैं। तकरीबन मेरे को 50-60 साल के मैं इनको उम्र हो गई और 40 वर्ष के करीब मेरे को डांस करते हो गए। और G20 में जैसे सर, जब से G20 पहले स्टार्टिंग में हुआ ना, उस टाइम से मैं G20 मेरे को मौका मिल रहा। भारत सरकार ने अगर बेस्ट घोड़ी देखता है घोड़िया में, अगर वेलकम के लिए अगर घोड़ी देखता है तो बनवारी लाल जाट की घोड़ी है और वो भी जयपुर में है। स्थान को सबसे पहला बार G20 मिला तो उसमें हमारे को मौका मिला। और ये हमारी परंपरा है, जो हमारा लोक देवता है वीर तेजाजी महाराज, उसके इरादे में हम करते हैं। और ये जो हम लीलन घोड़ी बोलते हैं और ऐसे गवर्नमेंट हम बोलते हैं तो इसको कच्ची घोड़ी बोलते हैं सर। और बहुत बड़ी खुशी की बात है सर, मैं कोबल बैंत में भी कार्यक्रम किया हूँ। जब कोबल बैंत मेला लगा था दिल्ली में, राष्ट्रीय जब बड़ा मेला लगा था, तो उस टाइम पर भी मेरे को 4 राष्ट्रपतियों का वेलकम करने का मौका मिला था। और अभी तक जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार है तो मैं 8 दफ़े उसका वेलकम कर चुका हूँ। जैसे 14 देशों का राष्ट्रपति आया था उसके सामने मैंने वेलकम किया है। अभी 20 देशों का आया उसका भी मैंने वेलकम किया है।